जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ ओनली फॉर दोस्तों गर्ल्स के लिए। तो दोस्तों, जो भी हमारे एनसीसी गर्ल्स है, चाहे जो भी मतलब जिनकी मैरिड हो चुकी है या मतलब जो गर्ल्स है विदाउट एनसीसी, उन सभी के लिए दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल रिलेटिव क्या है दोस्तों, तो भारतीय सेना में दोस्तों महिलाओं की शोल्डर यानी जो जीडी भर्ती अभी निकली है 2021 में, कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या फिजिकल प्रोसेस है, वो सभी तमाम दोस्तों हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। एक एक पॉइंट बताएंगे दोस्तों, कहाँ से सिलेबस है और क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है, वो सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए जो अभी 2021 में निकली है वैकेंसी, तो ठीक है जल्दी आवेदन करिए। और मैं आपको लिंक विंक सब दोस्तों यहां पर प्रोवाइड करूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की जो हमारी निकली है एक वैकेंसी दोस्तों, कौन सी, शोल्डर जीडी भर्ती ओनली फॉर दोस्तों महिलाओं के लिए निकाल, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पोस्ट है यानी ये 100 पोस्ट निकली है दोस्तों, ओनली 100 पोस्ट यानी 100 पोस्ट है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम बैठ सकते हैं एग्जाम में, कौन कौन सी, वो सभी कंडीशन आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी रिक्वायरमेंट, तो दोस्तों 2021 है, कितनी पोस्ट है, तो 100 पोस्ट है। आपको एक एक सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी यहाँ पर, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो देखते भी रहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब भैया जो एप्लीकेशन बींग यानी जो स्टार्ट होगी एप्लीकेशन यानी जो लिंक यानी जब आप अप्लाई करोगे अप्लाई, तो ध्यान रखना दोस्तों 6/6/2021 यानी दोस्तों आज क्या तारीख है हमारी, आज है 11 तारीख, तो दोस्तों यानी 6 तारीख को ये हो चुकी है यानी बिंग यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आज जब हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी, जब आप पूरा एनालाइज समझ लोगे क्या क्या मतलब इस वीडियो में रिक्वायरमेंट है आपके लिए, क्या मतलब फिजिकल प्रोसेस है, कितनी रनिंग है, जब भी आप अप्लाई करना लिंक के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन शुरुआत हो चुकी है 6/6/2021 तक। अब भैया इसकी लास्ट डेट कब है तो अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म की, तो भैया इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2021 तक। लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म यानी जो हमें लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म करना है, बिल्कुल वही है कि लास्ट डेट जो अप्लाई फॉर्म है वही 20/7/2021, ये ध्यान रखना। शुरुआत हो चुकी है तो जाके आप देखना जरूर, ठीक है। अगला भैया इसकी जो एप्लीकेशन फीस यानी दोस्तों जो इसमें एप्लीकेशन फीस है यानी जब हम पार्टिसिपेट करेंगे इसमें एनसीसी रिक्रूटमेंट अपना कैंडिडेट क्या है जो तौर पे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ध्यान रखना इसकी कोई फीस नहीं है यानी जनरल वालों और ओबीसी वालों की इसमें जीरो पेमेंट है। एससी एसटी ओबीसी जीरो है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है यहाँ पर, नो एप्लीकेशन फी फॉर द ऑल कैंडिडेट ओनली फील द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी यहाँ पर कोई भी पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी, केवल और केवल आपको क्या है जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है यानी जो करेगा यानी जो फीमेल है वो दोस्तों आप खाली ऑनलाइन फॉर्म भरेगी, है ना, यहाँ पर कोई पेमेंट उनसे नहीं ली जाएगी, जीरो डिस्चार्ज यहाँ पर, है ना, बिल्कुल जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। और आगे बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी है, तो वैकेंसी डिटेल्स क्या है भैया, 100 पोस्ट है, ध्यान रखना पोस्ट का नाम क्या है, ये बात है सबसे ज्यादा। तो पोस्ट का नाम है वुमेन जीडी सोल्डर इन मिलिट्री पुलिस, ठीक है, जो हमारी जनरल ड्यूटी होती है, तो पोस्ट का नाम क्या है, तो ध्यान रखना वुमेन जीडी शोल्डर इन मिलिट्री पुलिस, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो लिखते रहिए आप सभी को, ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करना, ठीक है। चलिए अगला है भैया इलिजिबिलिटी यानी जो हमारा इलिजिबिलिटी है यानी जो क्राइटेरिया है यानी इसमें हमें कितनी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो आप क्राइटेरिया पार कर चुके हैं या नहीं है, तो भैया इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो मांगी है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत में जितने भी स्टेट है जहां पर मतलब 10th पास होती है यानी जो 10th पास कराते हैं जो 12th कराते हैं, तो यहां पर बेसिकली जो मेंशन रख रहा है खाली ओनली 10th का रखा है कि आपने 10th जो क्लास है वो किसी भी मतलब एग्जाम यानी जो बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज्ड कोई से बोर्ड कर रखे हो जो इंडिया में है, तो आपको वहां पर सुटेबल है, आप भर सकते हो फॉर्म। और आपकी जो 10th मार्क में जो मतलब मिनिमम जो मार्क्स चाहिए 45% चाहिए, है ना, अरेंजेड मार्क मतलब 45% आपको यहाँ चाहिए मिनिमम, है ना, इससे भी ऊपर चलेगा तो मैक्सिमम, तो आपको कोई मतलब चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि ये हमें हर एग्जाम में आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 33% यानी आप हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए हो, है ना, ये इसका क्राइटेरिया है। आगे बात कर लेते हैं, आगे है हमारा एज लिमिट, यार एज लिमिट तो काफी कंफ्यूज भी करती है ना, तो ध्यान रखना एज लिमिट बिल्कुल डीपली से समझाऊंगा आपको। एज लिमिट है इसकी, ध्यान रखना 17.5 साल से 21 साल तक भर सकते हैं, यानी लास्ट डेट आप सोच रहे हो क्या है, 21 साल लास्ट डेट है इसकी, है ना, जो अभी नहीं हुआ 21 साल का, तो उसके लिए काफी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भरिए, 17.5 साल से 21 साल तक हम भर सकते हैं, ध्यान रखना। एज बिटवीन यानी दोस्तों 17.5 साल से या 21 साल तक जो बंदा होगा मतलब, है ना, जिनकी एज होगी जो अप्लाई करेगा, तो उनकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/10/2002
2/1/4/2000, यानी दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपका जन्म 1/10/2000 से दोस्तों 1/4/2004 तक आपका जन्म हुआ है इस टाइम इस कंडीशन इसमें इस टाइम पीरियड में, तो आप क्या भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इससे पीछे हो, 1/10/2000 से पीछे हो, या 1/4/2004 से ज़्यादा आपका जन्म हुआ है, तो आप ये नहीं भर सकते हो। तो कब तक भर सकते हो? तो 1/10/2000 से 1/4/2004 तक ये भर सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल एजिबिलिटी क्या है, यानी दोस्तों इसमें जब आप पास हो जाओगे, यानी जब आप पेपर भी देना होगा आपको, ध्यान रखना है जब, है ना। तो इसमें जो फिजिकल एजिबिलिटी मांगी है, क्या आपकी हाइट जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग का क्या प्रोसेस है? तो रनिंग का ध्यान रखना कितना प्रोसेस है, तो इसमें 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है। कितने मिनट में? तो इन 7:30 मिनट में, यानी 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ करनी पूरी होगी। लॉन्ग जंप भी लिए इसमें, तो लॉन्ग जंप है आपकी 10 फीट, ध्यान रखना, और हाई जंप है वो है 3 फीट, ये ठीक है, ध्यान रखना। हाई जंप यानी दोस्तों जो हम ऐसे हमारा ये पोल होता है तो उसके ऊपर से कूदना, वो होती है हाई जंप। एक होती है लॉन्ग जंप जो मट्टी से हम वैसे कूदते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये होता है फिजिकल एजिबिलिटी। आगे है हमारा एग्जाम कंडक्ट इन रेली रिक्वायरमेंट, तो ध्यान रखना कहाँ पर ये जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, है ना, बेलगाम या शिलोंग या पुणे, तो आप जहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा पास में, तो आप वो भर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन क्या होगा, यानी आपका मेडिकल भी होगा तो आपको पता है ना, तो मतलब उसका पेपर भी होगा तो क्या क्या है। तो इसका जो प्रोसेस है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें रनिंग होगी 1600 मीटर, है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड्स होगा आपका, है ना। तीसरा है रिटन टेस्ट थ्रू होगा किसके, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी सीसी के तहत आपको यहाँ पर एग्जाम, रिटन टेस्ट भी होगा आपको पता होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भैया डॉक्यूमेंट जितने भी है ना आप पूरे रखना डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं वेबसाइट दे दूंगा नीचे लिंक, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, तो आप लिख लीजिए, है ना, वहां पर आप देख लेना, लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां की भी अप्लाई करने की, और जो भी नोटिफिकेशन है वो भी। आगे बात करते हैं, अगला है एग्जाम पैटर्न, यानी जो इसमें एग्जाम होंगे, यानी आपकी जो एग्जाम होगा ध्यान रखना कितने नंबर का होगा। तो इसमें हमारा होता है कितने नंबर का, 100 मार्क्स का, कितने नंबर का होता है जैसे मैं बता दूं आपको, तो कितने मार्क्स का होता है, तो ध्यान रखना 100 मार्क्स का होता है। मैं आपको कैसे कैसे इसमें कौन से क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो वो सभी बताता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट नेम है जैसे जनरल नॉलेज, यानी जीके, जीके से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन, जीके से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपको बताऊंगा कि जो जीके है जनरल नॉलेज, वो जनरल नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो वो भी सारी आराम से बताऊंगा, तो देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद जीएस यानी जनरल साइंस में, जनरल साइंस में ध्यान रखना कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, और मैथ्स, तो मैथ में है 15 क्वेश्चन। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क का है ना, 2 मार्क का, यानी कितने नंबर के हो गए, 30 नंबर के हो गए। अब ये जनरल साइंस 20 क्वेश्चन है, तो भैया 40 नंबर के हो गए, एक क्वेश्चन दो, है ना, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और 15 नंबर मैथ का हो गए, तो यानी 30 नंबर, तो टोटल क्वेश्चन तो हमारे हो गए 50। अब भैया मार्क्स कितने हो गए, 100, यानी डबल। अब भैया आप सोच रहे होंगे कि इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्या सर, बिल्कुल बताएंगे यार, चिंता मत करिए आप। तो 50 है, ध्यान रखना 50 मार्क्स का है, तो कितने नंबर होंगे, 50 क्वेश्चन है सॉरी, और कितने मार्क्स होंगे, 100 नंबर होंगे। अब आपको ये बताएंगे हम धीरे धीरे कि इसमें जो कैसा पैटर्न रहेगा एग्जाम का, वो सारी। तो एग्जाम पैटर्न रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ध्यान रखना पहला होगा एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, यानी जो आपके ए बी सी डी ऑप्शन ऐसे होगा, बोथ लैंग्वेज होगी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड लैंग्वेज होगी, 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप एक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन सही कर देते हो, मतलब आप क्वेश्चन टिक कर देते हो, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा, तो 0.5 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है रखना। ईच क्वेश्चन विल 2 मार्क्स, यानी एवरी क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, जैसे मैंने आपको बताया। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो टाइम ड्यूरेशन इसका होगा 1 आवर, ये भी ध्यान रखना। मिनिमम मार्किंग मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 32, यानी आपके जो 100 नंबर है, 100 नंबर में से आपको 32 तो यहाँ पर चाहिए मिनिमम। उसके बाद कट ऑफ जो जाती है ना, किसी की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है तो वहाँ पर भी कट ऑफ का अलग हो जाता है ना, तो कितने भी जा सकते हो, मिनिमम आपको 32 तो चाहिए, और उसके ऊपर कट ऑफ जाएगी तो वहाँ पर आपको अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात आती है बाउंस मार्क, यानी बाउंस मार्क उससे होते हैं हमारे जो बेनिफिट भी मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं बेनिफिट, तो ध्यान रखना डॉटर ऑफ सर्विसमैन, यानी अगर किसी सर्विसमैन की डॉटर है वो, तो उसको 20 मार्क्स भी प्रोवाइड होते हैं। तो 20 मार्क्स जो है आपको प्रोवाइड कैसे होंगे, थ्रू, अगर आपको बोनस मार्क्स मिलता है तो ध्यान रखना डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी जो शहीद हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन, जिन्होंने सेवा प्राप्त कर चुके हैं, तो मतलब वार में डिफीट हो गए हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। उसके बाद डॉटर ऑफ वार विंडो, है ना, या डॉटर ऑफ विंडो एक्स सर्विसमैन, तो इनको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूसरा यहाँ बात करें तो विंडो ऑफ डिफरेंट पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, यानी जो युद्ध में शहीद हो गए, तो उनको भी जो उनकी डॉटर्स है,
है ना, उनको कितने वीक मार्क्स मिलेंगे, ये आपको क्या है ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। अब भैया आती है आपके एनसीसी से, तो जो भी गर्ल्स एनसीसी कर रही है, जिनकी हो चुकी है, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखना बस। तो क्या है, अगर आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट कर रखा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, आपने अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट कर रखा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और आपने अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट करा है तो भैया एग्जेम्प्टेड फॉर्म यानी सीसी, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो कई पे तो ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, हाँ, लेकिन आपको बी सर्टिफिकेट से मतलब जो 10 मार्क है इससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। कोई ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे लिख रखा है एग्जेम्प्टेड, तो मतलब यही है कि अधिकतर कि आपका एग्जाम यहाँ नहीं होगा। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जाम नहीं होगा आपका, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना कि बेनिफिट मिलेगा सी सर्टिफिकेट वालों को, तो ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं कि जो जनरल नॉलेज मैंने आपको बताया था, 15 क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स के होंगे, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में, तो भैया ये ध्यान रखना जो सारी चीज़ें करंट में पूछी जाएगी जनरल नॉलेज की। तो भैया जनरल नॉलेज में यूएनओ से पूछेगा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ है ना ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा यूएनओ से। ये हिस्ट्री से पूछेगा आंसर, जो भी मतलब हिस्ट्री से, मतलब ऐसे नहीं, अब हिस्ट्री तो भैया मिडाइवल भी होती है, एशियंट भी होती है, मॉडर्न भी होती है, और टेम्पररी भी इंडिया होती है ना, स्पेक्ट्रम ये सभी। तो ध्यान रखना हिस्ट्री वो है जो आपके करंट इशू से जो हिस्ट्री टॉपिक निकल रहे हैं वो होती है ना। ज्योग्राफी भी रूल सेम, सिविक्स है ना, पॉलिटी करंट अफेयर्स तो रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स यानी जो भी मतलब किस दिन क्या मतलब फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो सभी, एनवायरमेंट रिलेटेड, तो ये सारी करंट के बिहाव पर ही है, यानी करंट वन डे एग्जाम है ना आपका, तो करंट से रिलेटेड होगी। बेसिक इन बेसिक साइंस है, डिफेंस, आर्ट और कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोस्तों जो आपका WTO है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF, उन सभी से ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यानी GK में ये पूछी जाएगी है ना, ये ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस में क्या सिलेबस है। जनरल साइंस का आपको बताया था 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, तो इसमें टॉपिक कौन कौन से है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से यानी जो फूड, न्यूट्रिशन, डिजीजेज एंड प्रिवेशन एंड देयर यूजेज, आपको ये बताना है कि फूड के क्या क्या मतलब हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, डिसीज कौन कौन सी बीमारी होती है, उसके प्रिवेंशन, उसके उपचार बताना है, वो सब यहाँ से पूछना है उसमें ह्यूमन बॉडी में। फिजिक्स में पूछा जाएगा जनरल फिजिक्स यानी रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, यानी ये सारे करंट बिहाव पर है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि सारे जो करंट में आपके टॉपिक हो रहे हैं ना उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स में, चाहे जनरल साइंस रिलेटेड टू डे है ना। केमिस्ट्री तो ये भी जनरल केमिस्ट्री है, डेली टू डे टू डे जो भी मतलब अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ है या कुछ केमिकल हुआ है तो उन केमिकल से कौन कौन से जो मटेरियल्स बनते हैं वो उनसे लिंक ऐसी बनेगी सारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। बायोलॉजी में तो भैया जनरल बायोलॉजी में वही जो मतलब कोई भी अगर इंसान के कुछ मतलब डिजीज पाई जाती है तो उससे रिलेटेड जो बायोलॉजी होगी वो सभी हीमोग्लोबिन ऐसे तमाम ये चीज़ें पूछी जाती है ना। मेडिकल टर्म तो मैं ये मेडिकल टर्म भी पूछा जाएगा, नेम ऑफ डिजीज टर्म यूजेज इन मेडिकल साइंस है ना, तो उसमें जो भी मतलब फुल फॉर्म्स या कुछ टर्म भी पूछे जाएंगे दवाइयों के नाम ये सभी, तो डिजीज बीमारी ये पूछा जाएगा, बिरू बैरी बैरी हो गया, चमड़ा हो गया, ये सभी है ना। साइंटिफिक टर्म्स यानी है ना कॉमनली यूज साइंटिफिक टर्म इन डेली लाइफ आल्सो इंक्लूड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, यानी जो भी हमारी इसरो है ये सभी तमाम इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च कर रही है, जैसे कोरोना के टाइम तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कोरोना में कौन कौन सी दवाई आ गई है ना, या DRDO की, 2GA, तो ये सभी क्या इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक की, तो है तो आपको ऐसे ही चीज़ें पढ़नी है करंट बिहाव पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तो आगे है मैथ का सिलेबस, यानी जो मैथ में 50 मार्क्स का है, तो भैया मानी 50 क्वेश्चन है जो 30 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो इसमें अर्थमैथिक, अर्थमैथिक में जैसे इसमें आ जाएगा यूट्री मेथड है ना, टाइम ओवर डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, SCFC, LCM, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन है ना, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये बेसिक से है, बेसिक है, इतना डीपली नहीं पूछेगा, बेसिक ही पूछेगा, ध्यान रखना। एलजेब्रा, बेसिक ऑपरेशन है ना, फैक्टोरियल, SCF, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमारा एलजेब्रा में है। ज्योमेट्री में क्या है, तो लाइन एंड एंगल्स है ना, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरोग्राम्स है ना, पैरोग्राम्स और सर्कल्स। मेंसुरेशन में क्या होगा, तो एरियाज है ना, पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर्स रिलेट है ना, और रेक्टेंगल्स, पैरोग्राम्स एंड सर्कल्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, क्यूबोइड्स, कॉन और सिलेंडर एंड स्पीयर, तो ये मतलब मैथ में है, बिल्कुल कॉमन है, ध्यान रखना सारा कुछ है आराम से, आपको आराम से सारा सर्टिफाइज कर दिया है कि स्पेसिफाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो सारे है ना, ये ध्यान रखना। तो भैया आगे सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप फाइनल ये कर लेते हो, फिजिकल भी आपका हो जाता है, और आपका फिजिकल भी हो जाता है और आपका साथ ही साथ या आपका फिजिकल हो गया, फिर उसके बाद एग्जाम भी आपका पूरा हो गया क्लियर, तो भैया आपको क्या, आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा घर पे, तो भैया आपकी जो शुरुआत में सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,000 से 45 के बीच में ये सैलरी रहेगी, यानी जो इंडियन आर्मी फीमेल जो फीमेल सोल्जर की जो सैलरी है ना, अगर आप भर्ती कर लोगे तो उनकी जो सैलरी रहेगी वो 25,000 से 45,000 के बीच में रहेगी पर मंथ, क्या रहेगी पर मंथ रहेगी,
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको बता दिया जो आपकी क्वारीज होगी। फिर भी आप अगर आपकी कोई क्वारीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर वहाँ बताऊंगा। ठीक है, वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई क्वारीज नहीं होगी। तो ऐसी दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ शायद अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।